दोस्तों आपको तो पता ही है नेटफ्लिक्स जो है काफी बढ़िया बढ़िया मूवी बनाता है और एक दुनिया का नंबर वन मूवी स्ट्रीमिंग वेबसाइट है। और आज हम आपको 10 ऐसी मूवी दिखाएंगे जो नेटफ्लिक्स पर बना है और वो भी रियल घटना पर आधारित, यानी कि ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, यानी कि सत्य घटना पर आधारित ये मूवीज है। तो 10 ऐसी अनोखी मूवी जो नेटफ्लिक्स काफी, हालांकि नेटफ्लिक्स ने जो है 200 से भी ज्यादा जो है ट्रू स्टोरी बेस्ड मूवी बनाया है, तो उसमें से हम 10 आपको बेहतरीन मूवी आज आपको दिखाएंगे। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहो और नेटफ्लिक्स के 10 ट्रू स्टोरी बेस्ड मूवी देखो। तो पहला आप देख सकते हो यहाँ पे बेस्ट ऑफ नो नेशन, बीस्ट ऑफ नो नेशन। तो ये जो है अफ्रीकन बेस्ड एक मूवी है, वेस्ट अफ्रीका में इसको शूट किया गया है इस मूवी को, और वही की घटना है। वहाँ पे जो है बच्चों को जो है आतंकवादी संगठन में ऐसे जो है घुसाते हैं जैसे पाकिस्तान करता है, और सेम काम करते हैं कि जो है आर्मी के खिलाफ या फिर देश के गवर्नमेंट के विरुद्ध इनको जो है लड़ाता है। ये एक ग्रुप है, यहाँ पे देख सकते हो इनका ये मालिक है, ये बच्चों को ट्रेन करता है बचपन से ही, और उनको जो हाथ में बंदूक देके अपने देश के विरुद्ध या फिर गवर्नमेंट के विरुद्ध लड़ता है। ये एक सिविल वॉर वाला मूवी था, अपने ही देश में देश के खिलाफ लड़े थे इन लोगों ने, तो बहुत ही अच्छा मूवी, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर जरूर देखें। तो फिर ये आप देख सकते हो बेस्ट ऑन फैक्ट। दूसरा दोस्तों आप देख सकते हो मडबैंड, तो ये बहुत ही अमेजिंग मूवी है। यहाँ पे ये एक हिस्टोरिकल मूवी है, वर्ल्ड वॉर टू के समय बना, मतलब उस समय की बात को लेकर बनाया गया मूवी था। यहाँ पे मतलब दो कंट्री डिवाइड हो गया था, मिसिसिपी और यूएस, तो उस वक्त जो है दोनों कंट्री की कंडीशन, मतलब मिसिसिपी की कंडीशन बहुत ख़राब थी, सर्वाइव करना भी मुश्किल थी, तो वहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है मडबैंड। तो तीसरा जो है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पेडलटन, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मूवी है। तो ये क्या करता है, दो दोस्त है जो नेबरहुड है, और यहाँ पे काफ़ी सारा कॉमेडी सीन है इस मूवी में। दोनों दोस्तों को बीमार हो जाता है, बट दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से छुपाया, बट एक दोस्त ने जब हॉस्पिटल में गया तो दूसरे दोस्त को पता लग गया कि उसको कैंसर है, तो दोनों दोस्तों ने दोनों दोस्तों से छुपाया, इस वजह से दोनों में झगड़ा भी हुई। कॉमेडी भी है, भरपूर कॉमेडी से भरा हुआ मूवी है दोस्तों, नेबरहुड दोस्त का है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। तीसरा आप देख सकते हो ब्राइट है, यहाँ पे बहुत ही कमाल का मूवी है। यहाँ पे दो अल्टरनेटिव दुनिया के लोग एक साथ रहते हैं, यानी कि एलियन और इंसान एक साथ रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है दो पुलिस वाले होते हैं, दोनों एक एलियन और एक इंसान होते हैं, देख सकते हो दोनों अच्छे दोस्त है, और दोनों यहाँ पे देख सकते हो क्या कुछ है, सारे लोग एलियन और इंसान एक साथ रहते हैं, बट यहाँ पे एलियन ने जो है कुछ गड़बड़ी कर दी और इंसान को मारने लगा, तो यहाँ पे जो एलियन वाला पुलिस है वो भी इंसान वाले पुलिस का साथ देता है, और अपने दोस्त के साथ बखूबी मिलकर जो अपनी ड्यूटी को पूरा करता है और एक लड़की को बचाता है, और यहाँ पे देख सकते हो, और एलियन ने जो है ऊपर से हमला किया था धरती के लोगों को अपने जैसा बनाने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी हिट भी गया था, ऑडियंस स्कोर देख सकते हो 84% था यहाँ पे, बहुत ही कमाल का मूवी था। यहाँ पे आप देख सकते हो एलियन और इंसान की तालमेल और उनकी जो है समझदारी को यहाँ पे दर्शाया नेटफ्लिक्स ने ब्राइट, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना दोस्तों। तो अगला आप देख सकते हो यहाँ पे द फंडामेंटल ऑफ केयरिंग, तो यहाँ पे एक फनी मूवी है ये दोस्तों, ये अपना पिता है और यह है जो है उसकी वाइफ है, ये इंसान की वाइफ है, और इसका बेटा है जो है इंज्यूर्ड है, आप देख सकते हो चल नहीं सकता, तो ये पिता जो है क्रॉस बॉर्डर यानी कि बॉर्डर क्रॉस करके अपने बेटे से मिलने आता है, यानी कि सोचो कि ये पाकिस्तान से इंडिया अपने बेटे से मिलने आता है या फिर इंडिया से पाकिस्तान जाता है मिलने के लिए, कुछ इस तरीके का मूवी है, और माँ पाकिस्तानी पापा इंडियन ऐसा कुछ होगा, मतलब ऐसा है, मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया। तो फनी है और कॉमेडी काफ़ी सारा भरा हुआ है, आपको ये जरूर देखना चाहिए। अगला दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कुछ है, ब्लेंडेड ऑफ बस्टर स्ट्रक्स, द बैलेड ऑफ बस्टर सर्क्स। तो यहाँ पे जो है वेस्टर्न कंट्री के जो है पहले में क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे 6 मेन कैरेक्टर है, 6 भाई है, और 6 लोग 6 काम में महारत है, और एक बैंक चोरी में, एक जो है लोहे के तलवार में, एक बंदूक चलाने में, दूसरा जो है दारू की ठेकी या फिर होटल चलाने में, या फिर लकड़ी काटने में मशहूर है, और एक शिकार करने में। तो यहाँ पे कॉमेडी सीन से भरा हुआ है, और यहाँ पे जो पहले इन लोगों ने बैंक रॉबरी किया था और इनको पकड़ा है, और इनको जो है यहाँ पे कुछ फांसी वगैरह हो जाता है, और यहाँ पे जो बाकी सारे गैंग्स होते हैं ना, डकैत होते हैं, वहाँ पे ये लोग फिरते हैं एक दूसरे के साथ, और ये लोग जो है ग्रुप में बड़े बड़े डकैतों के सामना करता है और इनसे जो लड़ता है, ये सब कुछ स्टोरी वगैरह है। तो यहाँ पे आपको जरूर देखना चाहिए बैलेट ऑफ बस्टर सर्क्स को। तो अगला दोस्तों है आप देख सकते हो ओकेजा, ओकेजा ये मूवी जो है एक साउथ कोरिया बेस्ड मूवी है, और पहाड़ों में रहने वाली एक बड़ी सी सुपर पिक के बारे में ये मूवी है, और ये लड़की और एक सुपर पिक दोनों बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा दोस्ताना है, और जब ये सुपर पिक को जो साउथ कोरिया से न्यूयॉर्क लिया जाता है सर्कस के लिए चोरी करके, तो ये लड़की जो है उसको अपने जो दोस्त को बचाने के लिए पूरी रेस्क्यू करता है, और एक कॉमेडी से भरा हुआ और एक एक्शन सिनेमेटिक मूवी है, आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है काफ़ी कॉमेडी सीन हो, ओके जा साउथ कोरियन बेस्ड है बट नेटफ्लिक्स ने बनाया। तो दूसरा है प्राइवेट लाइफ, आप देख सकते हो नंबर 8 पे है प्राइवेट लाइफ, यहाँ पे दो जो है मिडिल एज कपल है जिनको बच्चे नहीं होते, तो वो बच्चे होने के लिए क्या कुछ
नहीं करते, काफी सारे दवाइयां वगैरह खाते हैं या कुछ करते हैं, उनके रिलेशनशिप में जो है जैसे टीनेज कपल में होता है झगड़ा, तो ये भी होता है, सब देख सकते हो। एक प्राइवेट लाइफ है और काफी कॉमेडी से भरा हुआ है और काफी सेक्सुअल सीन भी है, बट यहाँ पे काफी मजेदार है मिडिल एज टीनेजर, तो प्राइवेट लाइफ इसको एक बार जरूर देखना दोस्तों। अगला जो मूवी आप देख सकते हो यहाँ पे आई एम मदर, यहाँ पे क्या होता है कि देख सकते हो टेस्ट ट्यूब में बच्चे को जो है जन्मा था, ये लड़की जो है इसको जो है एक रोबोट ने पाल पोस के बड़ा किया और लड़की ने रोबोट को ही अपना माँ समझा है और रोबोट ने इस लड़की का माइंड डाइवर्ट करके दुनिया में जो है एक नए प्रजाति को, इंसान को खत्म करके एक नए प्रजाति को जन्म देने के लिए इस लड़की को उकसाता है, बट लड़की फाइनली अपने माँ से मिल जाती है स्पेस में और उसकी माँ सब कुछ बताती है और लड़की फिर रोबोट को समझ जाती है कि रोबोट उसके साथ धोखाधड़ी किया और फिर उसकी माँ और वो लड़की मिलकर इस रोबोट की पूरी फोर्स को तबाह करके दुनिया को बचाती है। बहुत ही टेक्नोलॉजिक मूवी है आई एम मदर, आप जरूर देखना। अगला है द हाईवे मैन दोस्तों, यहाँ पे जो है दो फॉरेस्ट रेंजर है जो रिटायर्ड हो जाते हैं, दो दोस्त यहाँ पे, हालांकि जो अभी के करंट फॉरेस्ट रेंजर है वो जो है फॉरेस्ट को चोरी करवाता है, फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं और साथ ही साथ जो यहाँ के एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको किल करके उनकी जो दांत वगैरह होते हैं या फिर उनको जो है जो काले मार्केट में ब्लैक मार्केट में काफ़ी महंगे दाम में बेच देते, बट यहाँ पे ये लोग जो है उसको सारे गुंडे लोगों को मारता है और यहाँ पे काफ़ी एक्शन और काफ़ी कॉमेडियन सीन है, आप देख सकते हो दोनों बुरे हैं बट यहाँ पे एक्शन के मामले में एकदम यंग्स है, तो यहाँ पे देख सकते हो द हाईवे मैन। तो ये कुछ टू स्टोरी बेस्ड मूवी थी, नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ओरिजिनल मूवीज है, आपको ये सारे मूवीज जरूर देखना चाहिए, बहुत ही अमेजिंग मूवी नेटफ्लिक्स ने बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में बेल आइकन उसे दबाओ, और कुछ इंटरनेट से जुड़ी हुई अमेजिंग नॉलेज चाहिए तो इस चैनल के साथ बने रहो, और वीडियो में तो मजा आया कि नहीं कमेंट में बताना दोस्तों।